हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग माउस प्रोग्रामिंग के लेक्चर 5th के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहले चार्ट के थ्रू देख लेते हैं हम लोग ने अभी तक क्या क्या यूज़ कर लिया है। सर्विस 0 से हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा माउस पोर्ट से कनेक्ट है या नहीं। ठीक है, माउस से कोई भी काम करने के लिए माउस को पोर्ट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर एड्रेस रिटर्न होकर आता है SSH तो हमारा माउस पोर्ट अवेलेबल है, नहीं तो अवेलेबल नहीं है माउस। ठीक है, देखिए अब कनेक्टिविटी चेक कर ली हम लोग ने, अवेलेबिलिटी या कनेक्टिविटी हम लोग ने दोनों चेक कर लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है माउस को पॉइंटर शो कराना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इंटरप्ट नंबर 0x33 या 51 का यूज़ करके AX रजिस्टर की वैल्यू 1 सेट करके माउस पॉइंटर को शो करा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, सर्विस नंबर 2 का भी हम लोग यूज़ अभी नहीं करा है, पर आज एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे इसमें हम लोग उसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ तब होता है जब हम नहीं चाहते कि हमारी टर्मिनल स्क्रीन पर हमारा माउस पॉइंटर शो हो, अगर हम कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं उस कंडीशन में लोग तो सर्विस नंबर 2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 का यूज़ हम लोग देख चुके हैं। AX रजिस्टर की वैल्यू 3 सेट करके हम लोग इसके कई डिफरेंट रजिस्टर का यूज़ करके हम लोग कई काम देख सकते हैं। जैसे AX की वैल्यू अगर 3 सेट कर दी तो हम लोग BX रजिस्टर की मदद से बटन का स्टेटस, CX DX की मदद से स्क्रीन के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग सर्विस 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका काम होता है सेट माउस पॉइंटर पोजीशन। ये यूज़र द्वारा दी गई कोऑर्डिनेट को X, Y एक्सिस पे सेट कर देता है। तो इसका हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे काम किया जाता है। ठीक है, देखिए पहले से ये मैंने दो बेसिक फंक्शन होते हैं बना के रख लिए। ठीक है, अब देखिए माउस पॉइंटर हमारा जैसे ओरिजिनल होता है उस तरह शो हो रहा है। इसके लिए मैंने केवल इतना किया है, यहाँ पे ग्राफिक्स को इंटीलाइज कर दिया है। ठीक है, इनिशलाइज कर दिया है ना, कुछ नहीं किया, बस इंटीजर DD को डिटेक्ट और GM जैसे कि हम लोग ग्राफिक्स के प्रोग्राम में करते थे, और इनिट ग्राफ फंक्शन को कॉल कर लिया है सेम प्रोटोटाइप से जैसे कि ग्राफिक्स में कॉल करते हैं। तो इसके इतना यूज़ करने के बाद आपका जो पॉइंटर होता है एक्चुअल लुक में आ जाता है, पहले आपका एक कर्सर लुक में आता था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ फंक्शन सर्विस नंबर 4 के लिए फंक्शन बनाते हैं, void set int x, int y सर्विस नंबर 4 इन डॉट एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू 4 इन डॉट एक्स डॉट सी एक्स में हमारा एक्स पहुंचा दो, इन डॉट एक्स डॉट डी एक्स में हमारा वाई पहुंचा दो। देखिए हम लोग ये क्यों कर रहे हैं तो अभी बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मेन फंक्शन से यूज़र कोऑर्डिनेट पास करेगा जो x, y में रिसीव होंगे। सबसे पहले सर्विस हम लोग ने कॉल कर ली एक रजिस्टर के लिए जो कि 4 है। उसके बाद इन डॉट एक्स डॉट सी एक्स, ये जो लाइन है ये सी एक्स किसके लिए होता है, x कोऑर्डिनेट के लिए, तो x कोऑर्डिनेट यूज़र पास करेगा, इसलिए x की वैल्यू सी एक्स में ट्रांसफ़र कर दी। इसी तरह डी एक्स वाई के लिए, तो y की वैल्यू डी एक्स में ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद इंट 86 फंक्शन कॉल कर लिया। अब देखिए मेन फंक्शन से हम लोग यहाँ पे सेट फंक्शन कॉल करते हैं 1, 1, इसका मतलब है लेफ्ट टॉप में हमारा कर्सर बाय डिफॉल्ट सेट होगा क्योंकि हम लोगों ने 1, 1 दिया। ये देखिए वहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है, अब हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट पे देख लेते हैं। 1, 3 इंडेक्स मतलब ये रहेगा एक्स एक्सेस पे ही, पर वाई से एक्स एक्सेस के मतलब ये हमारा एकदम लेफ्ट में रहेगा, एकदम लेफ्ट के कॉर्नर में रहेगा, पर 300 नीचे आ चुका होगा वाई एक्सेस पे। ये देखिए, ठीक है, अब इसको थोड़ा और एनहांस करके देखते हैं 500, 300। तो देखिए 500 एक्स एक्सेस पे हुआ, 300 वाई एक्सेस पे, ये माउस पॉइंटर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो सर्विस नंबर 4 का आप लोग यूज़ देख लिया होगा, कुछ नहीं करना है, बस कॉल करना है, शो करना है, सेट फंक्शन बनाना है, या तो आप मेन फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, बस इतना करना है। ठीक है, AX में 4 वैल्यू सेट करनी है और जो डिजायर्ड कोऑर्डिनेट है उसको CX और DX रजिस्टर में पहुँचा देना है। उसके बाद int 86 फंक्शन को कॉल करना है, इसका यूज़ हो चुका है। अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कुछ इस तरह बनाते हैं। देखिए माउस की अवेलेबिलिटी चेक हो गई, माउस शो होने लगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या केवल शो होने में से काम हो गया, नहीं, अब हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमारा माउस कुछ इवेंट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या बटन कौन सा प्रेस हो रहा है ये पता होना चाहिए, कौन सी कोऑर्डिनेट पे चल रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम यही होता है कि माउस के बटन प्रेस करें, हमारा कोई इवेंट हो, तो उसके लिए देखिए कौन सा फंक्शन, सर्विस नंबर 3 होती है। ठीक है, हम लोग ने POS फंक्शन का नाम रख लिया, int astic x, int astic y, int astic b, ये हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं, अभी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा।
इन डॉट एक्स डॉट ए एफ इज इक्वल टू सर्विस नंबर 3 इंट 86 फंक्शन 0x33 इंटरप्ट नंबर एड्रेस ऑफ इन कॉमा एड्रेस ऑफ ओ यू टी। अब देखिए int in dot x dot ax equal to 3 कर दिया। इस ये फंक्शन ax की वैल्यू 3 सेट करने पर ये फंक्शन हमें क्या क्या रिटर्न करेगा? एक तो माउस बटन का स्टेटस रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कि हम लोग out dot x dot bx रजिस्टर, हमारा माउस कौन सा बटन प्रेस हुआ है उसका स्टेटस रिटर्न करेगा, मतलब उसकी 100 है तो कोई बटन नहीं प्रेस हुआ है, 1 है तो राइट बटन लेफ्ट बटन प्रेस हो रहा है, राइट है, और 2 है तो राइट बटन प्रेस हो रहा है, इस तरह। इसको हम लोग बी में स्टोर करा लेंगे और एक्स में भी सेम यही काम, ये हमारा एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट रिटर्न करेगा, कौन सा रजिस्टर करता है एक्स के लिए, सी एक्स रजिस्टर, ठीक है, और एस्ट्रिक्ट वाई इज इक्वल टू सेम यही काम आउट डॉट एक्स डॉट डी एक्स, बस इतना करना है हमें, ठीक है। कोई इवेंट कराने के लिए देखिए फंक्शन तैयार हो गया है। अब इसको किस तरह यूज़ करेंगे वो भी हम लोग मेन फंक्शन में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूँ और मैंने पॉइंटर वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि माउस कंटिन्यूसली वर्क करता है, आप ऐसे अगर ड्रैग भी कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली ड्रैग कर रहा है, एक जगह वैल्यू चेंज हो रही है तो दूसरी जगह भी वैल्यू चेंज हो रही है सेम वेरिएबल की, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल माने हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर चेंजेस हों तो वो हर वेरिएबल में चेंजेस हमें दिखाई दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक्स कॉमा वाई कॉमा बी जो यही हमारे पॉइंटर वेरिएबल होंगे और x1 कॉमा y1 ये मैंने एक्स्ट्रा मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हम कोई डायग्राम ड्रॉ करें, फ्री हैंड कोई भी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉल माउस को कॉलिंग कर ली, एक सबसे पहला फंक्शन कॉल को आप लगा दिया के बी एच आई टी, ये फंक्शन के बी एच आई टी फंक्शन के बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ उसका क्या होता है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले माउस को शो करेंगे, उसके बाद पोजीशन फंक्शन में क्या क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई कॉमा एड्रेस ऑफ बी। देखिए इसका यहाँ पे क्या काम है, के बी एच एटी फंक्शन का मतलब होता है जब तक कोई की प्रेस नहीं हो जाएगी तब तक ये फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है, बस ना। और उसके बाद पोजीशन एक्स कॉमा वाई कॉमा बी, ये जैसे फंक्शन मैंने कॉल किया यहाँ से मेन फंक्शन, एक्स वाई का एड्रेस मैंने पास किया तो यहाँ पे फंक्शन ने सब बी में क्या रिटर्न कर दिया, 1 जो बटन प्रेस हो रही होगी उसका स्टेटस, एक्स में क्या रिटर्न कर दिया, एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई में क्या रिटर्न कर दिया, वाई के कोऑर्डिनेट, जो इन वेरिएबल में भी आ जाएंगे क्योंकि ये डिफरेंस पॉइंटर डिफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, कॉल बाय एड्रेस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब इनको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे x1 में हम लोग ने x स्टोर करा लिया और y1 में हम लोग ने y स्टोर करा लिया, ठीक है। अब बटन की बात आती है, देखिए बटन क्या है, अगर हम लोग एक सिंगल क्लिक करते हैं तो कोई इवेंट होगा, अगर देखिए पेंट फ्री हैंड ड्राइंग में क्या होता है, अगर हम लोग माउस का बटन प्रेस करें मतलब कंटिन्यूसली प्रेस रहता है, अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर पेंट की बात करें तो हम लोग अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं तो जब तक ड्रॉ नहीं होता तब तक बटन लेफ्ट वाला प्रेस रहता है, मतलब तब तक वैल्यू 1 रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वाइल बी इक्वल 1, जब तक बी की वैल्यू 1 है, मतलब जब तक लेफ्ट बटन प्रेस रहे तब तक हमारा कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते रहो, और वो टास्क क्या है वो मैं वाइल के अंदर लिखने जा रहा हूँ, है ना। देखिए अब यहाँ पे एक मैं हाइड फंक्शन जो बनाया था और अभी नहीं बनाया था, अभी मैं बना लूँगा हाइट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। चलिए मैं बना ले लूँगा हाइट फंक्शन, यहाँ पे बना देता हूँ वॉइड हाइट इन डॉट एक्स एक्स डॉट ए एक्स इज इक्वल टू 2 पे हाइट होता है, इंट 86 फंक्शन कॉल कर लिया, 0x33 इंटरप्ट एम% इन कॉमन एम% ओ यू टी, ठीक है, बस हाइट फंक्शन हो गया हमारा कॉल। हाँ जब तक हम लोग देखिए यहाँ पे वही कंसेप्ट आ गया, जब तक हम लोग कोई इवेंट ड्रॉ कर रहे हैं तब तक हमारा माउस पॉइंटर हाइट कर दो, ठीक है। चलिए हम लोग जैसे सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं,
आया सी एल सर्किल फंक्शन, यहाँ पे दिया एक्स कॉमा वाई कॉमा 30 दे दिया, 30 रेडियस का सर्किल हर बार ड्रा होगा, जितनी बार भी माउस इधर से उधर ड्रैग होगा एक्स कॉमा वाई मतलब उस एक्स कॉमा वाई जैसे माउस कभी 1.1 पे तो वहाँ एक सर्किल ड्रा होगा, 2.2 पे तो वहाँ एक सर्किल ड्रा हो जाएगा माउस के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स में X1 पहुँचा दे रहे हैं, वाई में Y1, क्योंकि एक जगह सर्किल ड्रा होंगे, हम लोग माउस को मूव भी कर सकते हैं ना, तो जब मूव करेंगे तो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। अगर देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, पोजिशन फंक्शन फिर से कॉल कर लेंगे, इस बार एड्रेस ऑफ X1 एड्रेस ऑफ Y1 देखिए, मैं अभी पेंट खोलता हूँ उस पर देखिए क्या होता है। जैसे ये भी है ना कर्जर है, देखिए ड्रॉ भी और इसको लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट बटन भी प्रेस है कंटिन्यू और हमारे एक्सेस भी चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा काम करने के लिए ही मैं वहाँ पे फंक्शन पोजिशन फंक्शन का दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी चेंज होते जा रहे हैं, मैं यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस यहाँ पे इस पेंट के एकदम बॉटम लेफ्ट में देखिए यहाँ पे PX यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लाइनिंग इस जगह पे नंबर चलेंगे, देखिए लेफ्ट बटन हमारी प्रेस है कंटिन्यू अभी तक प्रेस है, और देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी बदल रहे हैं और हमारी लाइन भी ड्रा हो रही है, तो यही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया है। साथ में इसलिए हर बार पोजीशन माउस की नहीं निकालते जाओ, ठीक है, हर बार माउस कहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो पोजीशन फंक्शन हमें बताता रहेगा और हमारा काम होता रहेगा। ठीक है, देखिए ये फंक्शन तो डिज़ाइन हो गया है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। 6 एरर हैं क्या, इनलीगल पॉइंटर कन्वर्जन, हाँ यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, अब देखते हैं क्या क्या एरर आती हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमारा माउस रन हो चुका है, ओह माउस का प्रॉब्लम रन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने लेफ्ट क्लिक किया, जैसे क्लिक किया देखिए सर्कल बना, माउस को थोड़ा सा ड्रैग किया, यहाँ क्लिक किया सर्कल बन गया। ठीक है, अब देखिए अब मैं कंटिन्यू लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ और माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए क्या बन रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेस चेंज हो रही है, तो तभी मैंने देखिए जब तक अब ये कंडीशन वाइल वाली, जब तक वाइल की वैल्यू 1 रहती है, जब तक वाइल बी इक्वल 1 है, ये अभी उस लूप में ही चल रहा है, क्योंकि लेफ्ट बटन प्रेस है हर बार 1 रिटर्न होके आ रहा है बी एक्स रजिस्टर के थ्रू, और सर्कल फंक्शन हर बार वहाँ पे पोजीशन फंक्शन लगा है तो वो अपनी पोजीशन को हर बार चेंज कर रहा है, वाइल बी इक्वल टू 1 फंक्शन के अंदर भी पोजीशन फंक्शन कॉलिंग है तो हर बार पोजीशन चेंज हो रही, तो उसी तरह ये ड्राइंग हो रही है। ठीक है, आप यहाँ किसी भी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था सर्किल फंक्शन का यूज़, यहाँ पे आप देखिए लाइन फंक्शन लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, लाइन फंक्शन किया, अब ये एकदम पेंट की तरह वर्क करेगा, X, Y, X1, Y1। ठीक है, ओके रन हो गया लाइन, ये देखिए एक बार क्लिक किया, देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वाइल बी की वैल्यू 1 है, 1 रिटर्न हो गया, देखिए माउस का पॉइंटर हाइड हो गया, देखा हाइड फंक्शन का भी जगह पर काम है। देखिए आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जब तक ये लाइन ड्रॉ हो रही है, देखिए कहीं पे भी माउस का पॉइंटर शो हो रहा है नहीं शो हो रहा है, जैसे हम लोग ने माउस का बटन जैसे हम लोग रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ कर दिया तो बी की वैल्यू 1 नहीं रही, कुछ और ही होगी, मतलब कोई बटन प्रेस नहीं हो रहा है, बी की वैल्यू 0 हो गई होगी, और हम लोग ने वाइल फंक्शन के अंदर ये कंडीशन लगाई है, वाइल बी इक्वल 1 के अंदर ये कंडीशन लगाई है, जब माउस की वैल्यू 1 हो तब हमें ऐड करना है। देखिए अब 1 अभी इसमें कोई बटन प्रेस नहीं है तो हमारा माउस पॉइंटर शो हो रहा है, और हमारी देखिए प्रोग्राम में देखिए कंडीशन क्या लगी है, जब तक बी की वैल्यू 1 रहे मतलब जब तक लेफ्ट की प्रेस होती रहे तब तक हाइड फंक्शन चलाना है। देखिए अभी रन हुआ, अभी कोई की प्रेस नहीं है तो हमारा माउस पॉइंटर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट की जैसे मैंने प्रेस की, देखिए माउस पॉइंटर हाइड हो गया, अब वाइल के अंदर वाला जो वाइल है वो चल रहा है,
तो जब तक लेफ्ट की प्रेस है तब तक ये डिज़ाइनिंग हो रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अब नाम लिख रहा हूँ, ठीक, जब तक हमारा लेफ्ट की प्रेस रहेगी तब तक हमारा माउस पॉइंटर हाइड रहेगा, ठीक है। पेंट में भी ऐसा होता है, जब तक कोई ड्राइंग करते हैं तब तक कर्सर नहीं होता है। तो देखिए हाइड फंक्शन का यूज़ भी आपने यहाँ देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो सर्विस नंबर 7 और सर्विस नंबर 8 है उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक आप इस प्रोग्राम से प्रैक्टिस करिए। कैसे हुआ है देखिए, सबसे पहले कॉल फंक्शन, शो फंक्शन और ये पोजीशन फंक्शन है। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल इसलिए लिए हैं क्योंकि देखिए वाइल के अंदर सब काम हो रहा है, मेन से हैंडलिंग हो रही है सारी, हर बार कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, अगर हम लोग हर बार वैल्यू पास करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने रेफरेंस वेरिएबल लिए हैं। बनाए नॉर्मल वेरिएबल हैं पर उनका रेफरेंस और पॉइंटर के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कोई भी फंक्शन अगर कोई भी चेंजेस करेगा वो हर जगह रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी हम लोग यहाँ पे इस लूप के अंदर थे वाइल में, यहाँ पे हर बार हम लोग माउस को ड्रैग कर रहे हैं इधर उधर, तो हर बार एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है और वो चेंजिंग कौन सा फंक्शन कर रहा है, ये पोजीशन फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसके चेंजेस हमको मेन में कैसे लाने पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग ने पॉइंटर का यूज़ किया है, ठीक है, पॉइंटर और एड्रेस फंक्शन का। तो एक बार इसको मैं रन करके और भी दिखा देता हूँ। देखिए आप कुछ भी फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर लाइन फंक्शन का यूज़ किया है आपने तो, और कुछ भी आप जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल फंक्शन रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, रन किया तो जहाँ जहाँ देखिए बहुत छोटे छोटे, देखिए आपको दिख नहीं रहा है कि रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। देखिए अब देखा क्योंकि x कॉमा y इतनी पास, क्योंकि देखिए माउस को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत छोटी सी डिस्टेंस स्टार्ट करनी पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे देख लिया। देखिए अब मैंने जल्दी से किया, मतलब बहुत जल्दी माउस ड्रैग किया, तो जाहिर सी बात है माउस के कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुआ होगा। तो देखिए स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट बढ़ा लेंगे, वो पहली बात कोऑर्डिनेट अगर बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर माउस को 0.1 भी अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा एक या दो एक्सेस बढ़ती हैं सर्किल के लिए, और क्या कहते हैं और क्या कहते हैं हाँ और रेक्टेंगल के लिए हम लोग कम से कम बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स बने। अगर हम लोग एकदम तेज़ी से अगर ड्रैग कर देते तो दो डिस्टेंस ज़्यादा आ जाती, तो हम लोग को रेक्टेंगल दिख जाता है। तो इस तरह आप यहाँ पे किसी भी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, बढ़िया है। ये देखिए एक पेंट की तरह हो गया, जैसे हम लोग पेंट में फ्री ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।